इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपका दोस्त लियोन बहुत ही मस्ती करने वाला है इस वीडियो में भी। तो भाई जल्दी से इंट्रो लगा दे। अबे लियोन आज कोई मस्ती नहीं करना गलती से भी। हाँ हाँ वो तो वक्त ही बताएगा। तो गाइस ब्रॉल स्टार वाले ने यहाँ पर नई फोटो अपलोड करी है ट्विटर में। तो यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी सीकिंग द न्यू चैलेंज करके। तो यहाँ देख सकते हैं कि फोटो में भाई जो अपनी रोजा है वो बैकग्राउंड में काम कर रही है और उसने बॉक्सिंग ग्लव रखे हैं ऊपर टांग के रखे हैं और जिसके पीछे जो मतलब उसका प्लांट होता है उसने यहाँ पर सामने रखा हुआ है। तो आपको लग रहा हो कि भाई कितनी नॉर्मल सी फोटो है भाई, इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ भी नहीं है। बट अगर आप जूम करके देखोगे इस फोटो में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई जो क्रीचर है छोटा सा मतलब भाई कोई भी मतलब क्या इंसेक्ट है या फिर क्या है वो भाई झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। झाड़ियों के पीछे छुपा है। तो भाई बहुत लोग कह रहे थे कि भाई ये नया ब्रॉलर है या फिर बोल रहे थे कि भाई कुछ नया आने वाला है यहाँ पर इसके रिलेटेड। बट मुझे नहीं लगता कि भाई ब्रॉल स्टार वाले यहाँ पर जो अपना नया ब्रॉलर है वो ऐसे दिखा देंगे यहाँ पर छोटे से एरिया में। तो यहाँ पर भाई बहुत कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। बट यहाँ पर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ब्रॉल स्टार वाले ने अपना नया ब्रॉलर दिखा देते हैं भाई फोटोज में मतलब पहले ही, बट वहाँ पर इतना कंफ्यूजिंग होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो नया ब्रॉलर होता है। जैसे कि आपको पता है जब ऐश आया था तो भाई उसने ये वाली फोटो डाली थी उन लोगों ने और भाई वहाँ सामने सामने देखते कि भाई ऐश का पूरी बॉडी वहाँ पर रखी है और भाई उसके अंदर वहाँ ऐश लिखा भी है। बट हमें किसी को पता भी नहीं चला कि भाई कौन सा ब्रॉलर आने वाला है। तो यहाँ पर भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि ये नया ब्रॉलर हो सकता है या फिर कोई नई स्किन हो सकती है या फिर भाई कुछ रिलेटेड हो मतलब स्टार पार्क के रिलेटेड ऐसे कुछ अलग सा हो। तो मुझे लगता है कि भाई जो मैंने आपको पुरानी ब्रॉल न्यूज़ में बताया था कि जो स्पेस से भाई एक रॉकेट जा रहा है तो मुझे लगता है कि उस रॉकेट में शायद यही बैठ के आया होगा। तो मुझे ज्यादातर मुझे लग रहा है कि भाई स्किन होने वाली या फिर बी की स्किन होगी या फिर लियोन की होगी। ही ही, अगर मेरी स्किन में तो मजा आएगा, मैं तो भाई खरीद ही लूंगा इसको पक्का। अच्छा लियोन, बट मैं तुझे लेने दूंगा नहीं स्किन को। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आपको लग रहा हो कि अब तो भाई फोटो पूरी नॉर्मल सी है। बट अगर आप लेफ्ट की तरफ देखोगे तो भाई वहाँ पर आप छोटे छोटे प्लांट्स देख सकते हो भाई बहुत अलग से दिख रहे हैं यहाँ पर। या फिर मुझे लगता है कि भाई जो अपना नया सीजन आने वाला है वो शायद तक जंगल थीम तो नहीं है, क्योंकि भाई मुझे बहुत लग रहा है कि जंगल थीम होने वाला है क्योंकि ऐसे जो बहुत ही यूनिक प्लांट्स होते हैं वो भाई बहुत घने जंगलों में ही होते हैं और जो रोजा है वो मतलब एक टाइप से साइंटिस्ट हुई मतलब जो प्लांट्स वगैरह पे रिसर्च वगैरह करती है। तो शायद वो जंगल से ये लाई होगी। बट हमें पता तो तब चलेगा जब हमें ऑफिशियली ब्रॉल स्टार के जो ब्रॉल टॉक होगा वो आएगा यहाँ पर। तो अगर अपने अगले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर ब्रॉल स्टार ने एक और ट्वीट करा था यहाँ पर 2 घंटे पहले जो आप देख सकते फोटो में। और इस फोटो में भाई 3 ब्रॉलर है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बी है और यहाँ पर रोजा और यहाँ पर स्प्राउट है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर स्प्राउट है जो पानी दे रहे हैं पौधों को और यहाँ पर जो रोजा है भाई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है मतलब बॉक्सिंग ही लग रहा है दिखने में तो। और यहाँ पर जो बी है वो कुछ लिख रही है। तो भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन बी के ऊपर जा रहा है कि भाई क्या लिख रही हो। अरे हाँ लियोन, तू तो ब्रॉल स्टार से ना, तेरे को तो पता ही होगा कि क्या लिख रही हो। हाँ पता है ना क्या लिख रही है। अब ब्रॉल स्टार ने मुझे बोल रहा था कि किसी को बताना कि भाई बहुत टॉप सीक्रेट है, पर तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे बता देता हूँ क्या करेगा तू भी। अच्छा भाई जल्दी बता दो जरा, कम से कम तो कुछ तो काम आ रहा है। हाँ तो गाइस आपको देख रहा होगा कि भाई जो बी है वो मतलब कुछ लिख रही है। हाँ भाई दिख रहा है, आगे बोल। तो भाई मैथ्स लिख रही है। अच्छा भाई आगे तो बोल। हाँ तो जो बी है ना वो मैथ्स लिख रही है क्योंकि भाई वो मैथ्स में फेल हो गई थी। अब यार ये यौन से बोलना भाई दिमाग खराब करने ऐसा है। बोला था ना हिला डालूंगा। क्यों हिला डाला ना? तो गाइस इस लियोन को ध्यान दो भाई, मतलब कुछ भी बोलते रह गए। तो मैं खुद यहाँ पर ढूंढ के आपको बताता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम जूम करें देखेंगे यहाँ पर बी को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मतलब बी है वो कुछ मैथ्स के इक्वेशन लिख रही है, पता नहीं कौन से मैथ्स की फॉर्मूला लिख रही है। और वैसे तो मैं मैथ्स में बहुत बेकार हूँ तो मुझे पता भी नहीं क्या लिख रही हो। मेरी भी मैथ्स बेकार है। हाँ पता, तभी तो तू यहाँ पर मुंह दिखाने आ जाता है। इमोशनल डैमेज। तो अगर यहाँ पर देखें तो भाई आप देख सकते हैं जहाँ पेपर है उसके नीचे वाले पेपर में यहाँ पर 26/2 लिखा है, तो उसका मतलब भाई स्ट्रेट यहाँ पर भी जाता है कि February 26, जो मतलब भाई मैंने आपको मतलब कितने 3-4 हफ्ते पहले बताया था कि जो अपना ब्रॉल टॉक है वो 26 को आने वाला है फेब्रवरी को। तो आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर सकते कि भाई जो मैं बोलता हूँ उसमें भाई 90% वो सच हो जाता है। और अगर हम यहाँ और देखें तो यहाँ पर भाई बहुत सारे डायग्राम बनाए हुए हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि भाई इस अपडेट में भाई बहुत सारी स्किन आने वाली, तो उसमें से बी की स्किन भी आने वाली है। तो वैसे अगर यहाँ पर हम सब कुछ जोड़ के देखें तो आप देख सकते हैं जो भाई पुरानी फोटो जहाँ पर आई थी तो यहाँ पर जो वो जो उड़ने वाला जो स्पेसशिप वगैरह जो भी है वो जा रही है वहाँ पर जो सर्कल सा बनाया, पता नहीं कौन सी चीज़ है, तो वहाँ पर जा रही है उस साइड की तरफ जा रही है। और यहाँ पर सीधे एकदम सेम टू सेम इस वाले फोटो में भी है जहाँ पर देख सकते हैं जो रोज़ा काम कर रही है उसके भाई आगे यहाँ पर कि मतलब कौन सा सर्कल टाइप का है जो मतलब भाई बिल्कुल रॉक तो भाई बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पर, मतलब कोई और पत्थर तो लग नहीं रहा, बट यहाँ पर पता नहीं कौन सा अजीब सी चीज़ लग रही है, बट उतना बड़ा नहीं लग रहा है जितना वहाँ पर दूसरे फोटो में दिखाते हैं। बट भाई जो भी है थोड़ा सिमिलर तो लग रहा है। तो भाई पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि भाई जो मतलब ये स्पेसशिप है वो यहाँ पर आई है कर्नल रफ की मदद करने के लिए और भाई वो उसने सीधे क्रैश लैंडिंग कर दी यहाँ पर जो वहाँ पर रोजा काम करती है। और भाई यहाँ पर रोजा ने देखा तो भी वो भी थोड़ा प्लांट टाइप का होगा शायद, तो जो जो वहाँ पर चला रहा होगा स्पेसशिप को। तो
जितने भी यहाँ पर रोजा और भाई बी है वो दोनों इसकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर और मतलब उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कुछ। बट भाई ये खाली मैं बना के बता रहा हूँ आपको, शायद तक क्या पता सच हो जाए, अगर सच हो गया तो भाई बड़ा मजा आ जाएगा। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जो कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।